मैं पिछली दफा भी इन्होंने कॉल की थी, हमारी इनसे बात हुई थी। ओए जबरदस्त। हाँ जी, इस प्रोग्राम में मैं जरूर, जब फर्नीचर का प्रोग्राम आता है उसमें मैं जरूर कॉल करती हूँ। थैंक यू जी। आज हम आपके किस सवाल का जवाब दे सकते हैं जी? आज मुझे ये पूछना है कि आजकल जैसे ग्लास का फर्नीचर बहुत है ना जी, लाइक डाइनिंग टेबल पे ग्लास टॉप्स होते हैं या और टेबल पे भी ग्लास के टॉप्स होते हैं, उन पर भी काफी स्क्रैचेस पड़ जाती है, स्पेशली डाइनिंग टेबल जब यूज होता है तो उस पर भी स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं और वो साफ नहीं होते, तो उसको हम किस चीज से साफ कर सकते हैं? ये तो एक मुश्किल। अच्छा, नहीं, ग्लास टॉप की इनके बात कर डाइनिंग टेबल पे, डाइनिंग टेबल की आप ऐसा कीजिए कि आप पानी और सफेद सिरका वो मिला के स्प्रे बॉटल में बना लें और पहले उसको पूरे शीशे के ऊपर लगा के अखबार से उसको अच्छी तरह साफ करें, तो उसमें वो क्योंकि बड़ी होती है डाइनिंग टेबल, कहीं ना कहीं रह जाता है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करेगी करनी पड़ेगी उसके ऊपर, आप अखबार से उसको अच्छी तरह साफ करें और वो है। हाँ, देखें जी, इनको जवाब भी मिल गया, लेकिन हाँ, वो किस मिकदार में हो, सफेद सिरका और पानी? देखिए, अगर एक कप पानी है तो आधा कप सिरका, लेकिन सफेद, और कोई नहीं लिएगा, कलर्ड सिरका सफेद वाला, और उसको इस्तेमाल करें आप, ठीक है? हाँ, और अगर गलती से कलर्ड सिरका ले लिया तो वैसे काम से भी आजकल मार्केट में ग्लास क्लीनर्स वगैरह बहुत आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन कपड़े से ना कीजिएगा, अखबार से कीजिएगा। अच्छा, कपड़े से क्यों ना करें? उसका लिंट कहीं ना कहीं रह जाता है और कहीं ना कहीं वो आपने देखा शेड सा आ जाता है। हाँ, वैसे ऐसे ही कह रही हूँ, शेड सा आ जाता है और वो जरा मुश्किल से निकलता है, अखबार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अच्छा, अब हम आते हैं जो बात हो रही थी शुरू में कि अगर कोई पुराना फर्नीचर हो और पुराना पीस हो तो उसके लिए कोई आइडियाज हैं आपके पास कि उसकी लुक हम किस तरह चेंज करें, हम क्या करें? एक तो ये होता है, देखिए मैं आप लोगों को बताऊं कि फर्नीचर भी एक आप तो, आपका एसेट है, इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेस्ट लॉट ऑफ मनी इन इट, ठीक है ना? अब ये है कि आप पुराना फर्नीचर, आप तंग भी आ जाते हैं एक जगह पड़े पड़े हैं, यू वांट टू गेट रिड ऑफ इट, भी तंग आ जाते हैं। अगर बहुत पुराना फर्नीचर है, मैं आपको ये कहूंगी कि आप कभी भी उसको फेंके ना, क्योंकि वो बहुत अच्छी क्वालिटी होगी, बहुत अच्छी क्वालिटी होगी, जितना पुराना होएगा लकड़ी उतनी ही उसकी खूबसूरती आ जाएगी। इसके लिए बेहतर ये कि या तो आप उसका आउटलुक चेंज करें, आप उसकी कलर चेंज कर लें, अगर वो लाइट में उसको थोड़ा सा और डार्कर शेड में ले आए, उसकी पॉलिशिंग चेंज कर लें और उसको रीडिज़ाइन करवा लें किसी अच्छे एक्सपर्ट से, आप रीडिज़ाइन करा लें एंड यूटिलाइज द सेम ऑब्जेक्ट। अच्छा, एक और ब्रेक ले लें, नाज़रीन एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन, लुबना एक और कॉल है आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सोनिया, मैं लाहौर से फायजा बोल रही हूँ। क्या हाल है फायजा? थैंक यू। आपने तो मुझे ऐसे प्रोजेक्ट पे डाल दिया, आप सोच नहीं सकती मैं कितना रिसर्च कर रही हूँ आपके बेडरूम्स और लिविंग रूम। बहुत अच्छा आप लोगों ने किया था, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और बड़ा अच्छा लग रहा था, मैंने कहा मेरी कॉल नहीं मिल रही और सोनिया कह रही है मुझे कोई फोन नहीं आ रहा है जरा, तो अल्लाह का शुक्र है आज कॉल मिल गई। मैं बड़ी डिटरमिनेट थी कि आज तो मिला के छोड़ूंगी और मिलकर छोड़ेगी। थैंक यू सो मच फायजा, दैट्स सो काइंड ऑफ यू। सोनिया बहुत सारे और हैं अभी, आपका टॉपिक नहीं है रेलेवेंट, सही, वरना मैं बताती आज भी। हाँ, तो इंशाल्लाह फिर सही, क्या कहती हैं तो बता देती हूँ। जरूर इमीडिएटली आप हमें बताइएगा, खासतौर पे जब मैं और कौसर बैठते हैं ना एक्सपेरिमेंटेशन करने, दैट्स द परफेक्ट टाइम। नहीं नहीं, मैं जरूर बताऊंगी, आइडियाज तो बहुत ज्यादा है मेरे पास। व्हाई डोंट यू राइट टू मी एज वेल? सोनिया मैं अभी नहीं कर सकती, मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ। मैं बताऊँ आपको कि क्या है वो, मैंने कंप्यूटर क्लास ऑर्गेनाइज की है जो सिर्फ मैट्रिक और एफए वाली औरतों के लिए है, जो हाउसवाइफ्स हैं। ओह एक्सीलेंट। और उनके लिए ही सिर्फ मैंने रखी है और किसी के लिए भी नहीं है। अरे दैट्स अमेजिंग फायजा, वैसे आप अगर कराची आए तो यू हैव टू कम एंड सी अस। थैंक यू। आई वुड लव टू। अगर मुझे आपको आके मिलना है तो यू हैव टू गिव मी टिकट। ओके डन, ये मैं आगे अपने प्रोड्यूसर्स को बात बता दूंगी आपकी। वो तो सुन ही रहे होंगे।
ठीक है जी, चेक पहुंचना चाहिए मुझे। सही है, थैंक यू सो मच। कल का प्रोजेक्ट बहुत अच्छा था, उससे रिलेवेंट और भी मेरे पास बहुत सारे आइडियाज हैं, जबरदस्त। उसके अलावा भी आई हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज, आई विल गिव यू व्हेन यू आर विद कौसर। ओके, मैंने अभी तो थैंक यू कहना था। थैंक यू। सेकंडली जो रेक्सी, जो ये लेदर राइट के सोफेज होते हैं ना, उनके बताइए कि अगर उस पे बच्चे समटाइम्स रैशेस पड़ जाते हैं, बिल्कुल, तो उसको कैसे हम लोग जो है ना ठीक कर सकते हैं। ठीक है जी, ठीक आपका जवाब देते हैं। फाइजल को मेरी तरफ से बहुत थैंक यू कहिए। वंस अगेन सोनिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू टू यू, थैंक यू, खुदा हाफिज। ये बात कर रही थी, हाँ बहुत से लोगों के पास लेडराइट। ये हमने पिछली दफा भी बात की थी कि लिनसीड ऑयल जो होता है, जिसको अलसी का तेल मेरे ख्याल में कहते हैं, वो और विनेगर मिला के वो स्प्रे आप बना लें, या आप नई स्प्रे बनाना चाह रहे थोड़ा सा प्याले में बना के उससे अप्लाई करके साफ कर लें, गरम तौलिया, पानी से गरम तौलिया धो के अच्छी तरह निचोड़ के वो अप्लाई करने के बाद उसे साफ करें, आपके ये स्क्रैचेस निकल जाएंगे। निकल जाते हैं, निकल जाएंगे, बिल्कुल। और वो किस मिकदार में होगा, लिनसीड ऑयल और सिरका? लिनसीड ऑयल आप 2 टेबल स्पून ले लीजिए, और 1 टेबल स्पून आप उसमें विनेगर डाल लीजिए, व्हाइट विनेगर। हाँ, तो उससे स्क्रैचेस निकल जाएंगे जी। लिनसीड ऑयल बहुत अच्छा है फर्नीचर के लिए भी, बहुत अच्छा है, इट्स वेरी गुड फॉर फर्नीचर, दैट्स ट्रू। अच्छा, एक और जो ब्रेक के दौरान भी एक कॉल आई थी कि अगर डीको पेंट हो आपके पास जी, तो उसको कैसे चेंज करें, क्योंकि और बोर बहुत जल्दी हो जाते हैं डीको पेंट से। देखिए, डीको के लिए ये है कि उसके लिए हमें सबसे पहले फर्नीचर को ब्लीच करना पड़ता है, और ब्लीच करने से लकड़ी जो है वो डैमेज भी होती बेचारी है। कुछ आधी हाँ सुखड़ी हाँ, जाती होगी। लेकिन ये कि डीको पॉलिश इज लाइक एक तो फैशन भी नहीं है उसके, लेकिन अगर आपके पास पुराने ऑब्जेक्ट्स हैं उसके डीको के, तो आप उसको ब्लीच करवा के आप कलर करवा सकते हैं। अच्छा, पेंट स्ट्रिपर्स भी आते हैं ना वगैरह बाजार में, वो यूज कर सकते हैं या नहीं खुद से? हाँ, अगर आपको पहले आपने अप्लाई किया हुआ है तो ठीक है, वरना रिस्क मत लीजिएगा। रिस्क मत लीजिएगा सही, लेकिन अगर आपने किया हुआ है उस पे, तो आई थिंक उस पे घर पे तो ये खुद सही नहीं किया जा सकता, ये आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी होगी। प्रोफेशनल हेल्प आपको, पूरा ब्लीच होता है, पूरा एक प्रोसीजर होता है उसका, कि उसको ड्राई किया जाता है, फिर उसकी दोबारा फिलिंग होती है, फिर उसकी रबिंग होती है, उसके बाद जो हमारी ट्रेडिशनल पॉलिश है, पॉलिशिंग जैसा हम लोग करते हैं, बिल्कुल उस तरह उसको फिर पॉलिश। अच्छा, आपने कहा कि डीको अब फैशन में नहीं है, हाँ, तो फैश व्हाट इज फैशनेबल दीज डेज? एक ये मैं कह रही हूँ कि फैशन में नहीं है, लेकिन अभी भी आते हैं लोग डीको मांगते हैं, इट डिपेंड्स ऑन योर एस्थेटिक एस्थेटिक सेंस, लेकिन आजकल वैसे मैट फिनिशिंग जो है व्हिच इज माय पैशन, आई लाइक मैट फिनिशिंग। बताइए, आप किसी भी सालों साल भी रख लें वो वैसे ही चलता है, दैट्स ट्रू, क्योंकि वो जो शाइनी पॉलिशिंग होती है उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, हमारी मेरी अम्मा घिस घिस के पागल हो जाती है अपने फर्नीचर को, मुश्किल है उसको, लेकिन मैट फिनिशिंग को मेंटेन करना बहुत आसान है। अच्छा, मैट फिनिशिंग के साथ उतना लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि इस पे तो धब्बे ज्यादा पड़ते होंगे, हाय क्योंकि वो शाइन की आदत उनको होती है।